नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में तय किए नामों पर विचार कर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आज हो रही इस बैठक में करीब 100 नामों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। समिति इसके पहले 71 प्रत्याशियों की सूची को हरी झंडी दे चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 9 नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने राजगुरु यादव को जिला शिवपुरी की पोहरी, बच्छराज सिंह यादव को जिला गुना की बमोरी, राम निवास उर्मलिया को जिला सतना की मेहर से उतारा है। इसके पहले सपा की ओर से 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर सभी तरह के सुझावों और रायशुमारी के बाद अब दावेदारों के नामों पर जल्द ही मोहर लग जाएगी। भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिकट बंटवारे के संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसी माह चुनाव समिति की बैठक होना है और चयनित नामों को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में ही पार्टी के आला नेता उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। अब तक दर्जनों दौरे कर चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश जीतने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। इससे बाद सत्ता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही इंदौर उज्जैन संभाग की 66 सीटों पर राहुल अपना फोकस बनाए हुए है। राहुल के 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले दौरे के लिए कांग्रेस ने प्लान भी उसी हिसाब से बनाया है। स्वर्ण आंदोलन से होने वाले नुकसान को भांपकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसकी कार्ड तैयार करने में जुट गया है। इस बार रणनीतिक रूप से भी चुनाव की कमान संघ के पास ही है। स्वर्ण आंदोलन के बाद संघ ने मैदान पर इसका असर कम करने के लिए जन जागरण अभियान और जनसंपर्क शुरू कर दिया है। संघ अपने जनसंपर्क में लोगों से अपील कर रहा है कि जातिगत आधार पर मतदान न करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, Heavy duty exhaust fans and cooler fans की संपूर्ण रेंज, El Monarch fans, pedestal fans, exhaust fans and air curtain की विस्तृत रेंज, जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।